कि हम यहाँ पे आएंगे और आप लोगों को जो है अपने व्यूवर्स को जो है हम रिव्यू देंगे। तो इंशाल्लाह हम आए, ये वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लेकिन ये दही बड़ों की बहुत तारीफ सुनी है तो हम आपको जो है उसका आप रिव्यू देते हैं। ये दही बड़े हैं और हमने एक प्लेट अभी लिए हैं इनसे और अब इसको जो है हम टेस्ट करके आप लोगों को रिव्यू देते हैं। यहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आपको बेगम दिखाएंगे। ये जो है मिठाइयों का अच्छा, हम साथ में आपको जो है ना इन्हीं के बराबर में फ्रेस्को के बराबर में फेसिको वाले हैं तो उनका भी जो है अरबी पराठा बहुत ज़बरदस्त है, आपने देखा भी होगा मुख्तलिफ चैनल से, तो इंशाल्लाह आपको जो है इसका भी रिव्यू देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ये देखें ये जो है अरबी पराठा किस तरीके से बना रहे हैं उसकी फीलिंग आपको हम दिखाते हैं। फेसिको वालों का जो बिहेवियर जो है आउटस्टैंडिंग है, मतलब उनका जो है कस्टमर सर्विसेज के हवाले से हमने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कह सकते हैं, और फेसिको वालों का भी बहुत अच्छा था लेकिन इनका कुछ बहुत ही जो है ना स्पेशल है। अब ये देख सकते हैं इनके पास बड़ी वैरायटीज हैं अरबी पराठा, ये चिकन में अभी आपको दिखाया था हमने, अब ये जो है कीमे में बीफ का है, कीमा बीफ का है मटन बीफ कीमे में भी जो है ये अरबी पराठा बना रहे हैं। ये देखें ये बीफ कीमा से, अब ये किस तरह से प्रोसेस करते हैं इसको ये देख रहे हैं आप लोग, आप ये देख रहे होंगे ये फ्राई हो रहे हैं, तो टेस्ट करके इसका रिव्यू आपको देते हैं। ये जो है अरबी पराठा हमने इनको ऑर्डर किया है, फिलहाल एक ही हम टेस्ट करेंगे और आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं फेसिको का जो है अरबी पराठा बहुत मशहूर है, तो ये जो है हमने चिकन में मंगवाया है, सही है, तो इनका जो है बीफ पराठा भी ये बीफ में भी बनाते हैं ये, और ये जो है इन्हीं के बराबर में फ्रेस्को वाले हैं जिनका जो है दही बड़े बहुत मशहूर है, बल्कि आज भी बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं मीठे दही बड़े, तो ये जो है अब हम उसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त टेस्ट, और आप इसकी फीलिंग देखें, फीलिंग देख रहे हैं आप इसमें, मतलब अंडा भी है इसमें, चिकन भी है और इतना भरा हुआ, और उसके ऊपर जो इन्होंने मायनेज डाला है, तो यानी कि मैं आपको ये कह सकता हूँ जो हमारे जहन में था कि ऐसा होगा कि उससे भी कहीं ऊपर है, यानी कि 10 out of 10 तो है ही, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है, स्टैंडर्ड से भी हाई फाई है। सऊदी अरब में भी हमने कई जगह ये खाया है हमने, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं आया। प्लीज़ एक खाते बहुत ही गाला ज़बरदस्त लाजवाब, केचप के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और इतना अच्छा इन्होंने बनाया है कि अगर आप ना केचप और ना ही चटनी यूज़ करें फिर भी आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, इतना ज़बरदस्त बनाया है। इतना मज़े का पराठा आज तक नहीं खाया, मज़े का जो है ना
पराठा इस तरह का आज तक मैंने नहीं खाया कहीं। बहुत मजे का है वाकई, बहुत ही लजीज है वाकई, माइंड ब्लोइंग। अब हम फ्रेस्को के दही बड़े इसका रिव्यू देते हैं। ये भी लाजवाब मुझम है, जैसे हमने इसकी तारीफ सुनी है वैसे ये वाकई, ये भी माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग है। इतना सीन मौसम है देख रहे हैं आप, और बादल दिखाइएगा ज़रा बेगम। हाँ अनवर शऊर साहब का एक ये बादल देख के मुझे बादलों के हवाले से एक बंद याद आई कि किया बादलों में सफ़र ज़िंदगी भर, ज़मी पर बनाया न घर ज़िंदगी भर, सभी ज़िंदगी के मज़े लूटते हैं न आया हमें ये हुनर ज़िंदगी भर। मोहब्बत रही चार दिन ज़िंदगी में, रहा चार दिन का असर ज़िंदगी भर। सैयद आमिर रियाज़ को और उसकी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स, और जो है हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबको सैयद आमिर का सलाम।